हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को पहले देखें, तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं? इनका पहला इम्पोर्टेंस है इंक्रीज इफ़िशियंसी। ये इंक्रीज करता है इफ़िशियंसी को। प्लानिंग मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसी की प्लानिंग की जाती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल जितने रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम वेस्टेज किया जाए, इनकी ये प्लानिंग करता है। एंड अवॉइड्स देयर डुप्लीकेशन। इट एम्स टू गिव द हाइएस्ट रिटर्न्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ये इतना कोशिश करता है कि लोवेस्ट, जितना भी कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लिया जाए। इट थस इंक्रीज द ओवरऑल इफिशियंसी। ये ओवरऑल इफिशियंसी को ही बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है रिड्यूस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। बिजनेस से जितने भी रिलेटेड रिस्क होती है उसे ये रिड्यूस करने का काम करता है। देयर आर मैनी रिस्क इन्वॉल्व इन एनी मॉडर्न बिजनेस। अभी के बिजनेस में बहुत सारे आपका रिस्क होते हैं, जिसे आपका रिस्क को कैसे हैंडल करना है, कैसे कम करने है, उसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग हेल्प्स टू फोरकास्ट दिस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। इट आल्सो हेल्प्स टू टेक द नेसेसरी प्रिक्यूशंस टू अवॉइड दिस रिस्क एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज इन एडवांस। इट रिड्यूस बिजनेस रिस्क के ये जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी अनसर्टेन रिस्क होते हैं, इसकी पहले से ही प्रिपरेशन की जाती है इन एडवांस में। तीसरा है गिव्स राइट डायरेक्शंस। अच्छे प्लानिंग होंगे, अच्छे प्लानिंग करेंगे तो एक राइट डिसीजन आपको मिलेगा, राइट डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन मीन्स टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि पहले आप अगर प्लानिंग करेंगे तो एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे एंड यूज़फुल गाइडेंस टू द सबॉर्डिनेट्स से एक यूज़फुल गाइडेंस आपको दे सकेंगे आप। इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। ये प्लानिंग के बिना इम्पॉसिबल है। इट इज़ बिकॉज प्लानिंग टेल्स यूज़ व्हाट टू डू। प्लानिंग बताता है कि आपको कैसे करने हैं, हाउ टू डू एंड वैन टू डू इट। ये कब करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं। प्लानिंग हेल्प्स टू गिव द राइट डायरेक्शन। प्लानिंग आपको एक राइट डायरेक्शन देता है। एंड कीप्स गुड कंट्रोल, और एक अच्छा कंट्रोल भी रखता है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द प्लान्स एंड डेविएशंस आर फाउंड आउट एंड करेक्टेड। एक अच्छा प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप एक अच्छा एक एम्प्लॉय का जो है परफॉर्मेंस को एक्चुअली समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव सच कंट्रोल विदाउट द राइट प्लानिंग। ये विदाउट एक राइट प्लानिंग के बिना एक इम्पॉसिबल है। प्लानिंग बिकम्स नेसेसरी टू कीप गुड कंट्रोल। प्लानिंग आपका एक गुड कंट्रोल करने के लिए, अच्छा कंट्रोल करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। एंड फिफ्थ है हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी प्लानिंग आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ टारगेट्स होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। इट कीप्स वर्किंग हार्ड टू फुलफिल दिस गोल्स। इस गोल्स को पाने के लिए बहुत एक वर्क हार्ड वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय। प्लानिंग हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू अचीव दिस एम्स, एम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए।
बट विद सम ईज एंड प्रॉम्प्टनेस हेल्प्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में भी प्लानिंग आपका हेल्प करता है. ए मैनेजर मेक्स मैनी डिफरेंट प्लान्स. एक मैनेजर जो है बहुत प्लान बनाते हैं, अलग अलग तरीके का प्लान करते हैं. देन द मैनेजर सेलेक्ट और चूज द बेस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल स्ट्रेटेजी. जितने भी प्लानिंग करते हैं उनमें से एक जो अच्छा प्लान होता है उसे एक चूज़ किया जाता है, उसे सेलेक्ट किया जाता है. मेकिंग अ सिलेक्शन और चूजिंग समथिंग मीन्स टू टेक अ डिसीजंस. एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्लान को जो बेहतर होता है उसे चूज़ किया जाता है. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन इनका आपके एग्ज़ाम में. तो फॉर्म्स आपका जो है तीन टाइप्स का होता है, ऑपरेशनल प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स एंड कंटीजेंसी प्लान्स. पहला प्लान देखते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स. इन ऑपरेशनल प्लान इज़ वन दैट अ मैनेजर यूजेज टू एकम्प्लिस हीज और हर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मैनेजर जो है अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक प्लान को यूज़ करता है जिसे ऑपरेशनल प्लान्स कहते हैं. जैसे सुपरवाइज़र, टीम लीडर एंड फैसिलिटेटर्स डेवलप ऑपरेशनल प्लान्स टू सपोर्ट टैक्टिकल प्लान्स. ये टैक्टिकल प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशनल प्लान किया जाता है. ऑपरेशनल प्लान्स कैन बी अ सिंगल यूज़ प्लान. एक ऑपरेशनल प्लान एक सिंगल यूज़ के लिए हो सकता है या तो फिर एक एन ऑनगोइंग प्लान हो सकता है. नंबर टू है टैक्टिकल प्लान्स. टैक्टिकल प्लान्स आर कंसर्न विद शॉर्टर टाइम. टैक्टिकल जो प्लान्स है वो एक शॉर्टर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है. फ्रेम्स एंड नैरोवर स्कोप्स देन आर स्ट्रेटेजी प्लान्स. एक स्ट्रेटेजी प्लान के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम के लिए एक टैक्टिकल प्लान्स जो है यूज़ किया जाता है. दिस प्लान्स यूजुअली स्पेन 1 ईयर और लेस, एक साल के लिए या एक साल से कम के लिए हो सकता है टैक्टिकल प्लान्स. बिकॉज दे आर कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एंड लॉन्ग टर्म्स गोल के लिए इट इज़ द मिडिल मैनेजर्स. ये मिडिल मैनेजर जो है का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू टेक ब्रॉड स्ट्रेटेजी प्लान एंड आइडेंटिटी स्पेसिफिक टैक्टिकल एक्शंस. एंड थर्ड है कंटीजेंसी प्लान्स. इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट डिपेंड्स अपन अ कॉन्स्टेंट परसुएट ऑफ एडप्टेशन. एक जो आपका इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल जो मैनेजमेंट डिपेंड करता है वो आपका एक कॉन्स्टेंट परसुएट ऑफ एडप्शन वाली प्लान पे डिपेंड करता है. ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड मास्टरी ऑफ चेंजिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रिक्वायर्स इन अप्रोच एट ऑल टाइम्स. एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो है रिक्वायर्स आपका एक अप्रोच करता है. दैट्स वेयर कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कम्स इन. कहाँ पे आपका कॉन्टीजेंसी प्लान को यूज़ करना है, प्लान करने हैं. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही तक. आपको कैसा लगा वीडियो? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताना, मैं उनको सॉल्व ज़रूर करूँगा. और आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा. थैंक यू सो मच.